हेलो, आई एम अनिकेत फ्रॉम तर्कशास्त्र एकेडमी। अल्टीमेट इंडोर 2024 एग्जाम जस्ट वॉज ओवर। द टाइमिंग ऑफ द एग्जाम वॉज 2 to 4 PM। इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू डू द फर्स्ट कट एनालिसिस ऑफ द एग्जाम। वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट वॉज द लेवल ऑफ डिफिकल्टी कंपेयर टू लास्ट ईयर्स एग्जाम, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सेक्शन वाइज एज वेल। ऑल्सो वी विल डिस्कस की कोई सरप्राइजेस थे क्या एग्जाम में। Also, we are going to discuss the good attempts in the exam. Good attempts, मतलब मैंने कितने attempts किए, क्या वो attempts sufficient है to get a call from IPL Indore. Then, in the end, the expected cutoff. पिछले 3-4 सालों से we have been providing the expected cutoff for all the BBA entrance exams. And हर साल हमारे expected cutoff accurately actual cutoff के साथ match होते हैं। So this expected cutoff will have a good impact in your preparation for other MBA entrance exams, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि भाई आप cutoff clear करने वाले हो कि नहीं। अगर expected cutoff जितना आपका attempt ही नहीं है तो definitely आपका overall preparation strategy for GPMAT exam and other BBA entrance exams will change. ठीक है, सो लेट अस मूव अहेड फॉर द फर्स्ट कट एनालिसिस। फर्स्ट कट एनालिसिस देखते हैं। सो द फर्स्ट थॉट, लेवल ऑफ डिफिकल्टी वाज मॉडरेट टू डिफिकल्ट। जैसे पिछले साल का पेपर बहुत डिफिकल्ट था, ये साल पेपर मॉडरेट टू डिफिकल्ट। अभी ये जो सारी चीजें हम बोल रहे हैं, ये हमारा कन्वर्सेशन विद द टॉपर्स उसके बेसिस पे बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है कि ये रैंडमली बताया गया है। जो स्टूडेंट्स है जिनसे वी आर एक्सपेक्टिंग द रिजल्ट, दोज पीपल हैव टोल्ड अस द एनालिसिस। देन इट वॉज स्लाइटली इजियर देन लास्ट ईयर, एज आई टोल्ड यू। द क्यूए एसे सेक्शन वॉज मॉडरेट। जैसे लास्ट ईयर क्यूए एसे सेक्शन बहुत ही डिफिकल्ट हुआ करता था, अभी इस साल द लेवल ऑफ डिफिकल्टी ऑफ क्यूए एसे सेक्शन वो मॉडरेट था। एंड हायर मैथ सेक्शन यूज द क्यूए एसे सेक्शन। हायर मैथ मतलब मैट्राइसेस क्वेश्चन, लॉगरिथम क्वेश्चन, ये ज्यादा थे। अरिथमेटिक के क्वेश्चंस हायर मैथ से कम थे इन क्यूए एसे सेक्शन। ऐसे ये सब्जेक्टिव आंसर। सरप्राइजिंगली क्यूए एमसीक्यू सेक्शन जो क्यूए एसे सेक्शन से थोड़ा सा इजी रहता है, बट इस साल बहुत सारे बच्चों ने क्यूए एमसीक्यू सेक्शन को डिफिकल्ट कहा है। दे आर सेइंग कि भाई लेवल ऑफ डिफिकल्टी QA MCQ में ये साल बढ़ा दी है, बाकी दो सेक्शंस में थोड़ी सी रिड्यूस की है। वर्बल एबिलिटी वाज द इजीएस्ट सेक्शन, जैसा एक्सपेक्टेड था। ठीक है, देयर वाज अ डेटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चन इन QA MCQ। डेटा इंटरप्रिटेशन बिल्कुल नहीं आता है इन अल्टीमेट इंडोर एग्जाम, बट देयर वाज वन सेट ऑफ डेटा इंटरप्रिटेशन इन QA MCQ सेक्शन। सो ओवरऑल द गेम चेंजर वॉज क्यू एमसीक्यू सेक्शन। अगर आपने इसमें अच्छा किया है, द चांसेस ऑफ गेटिंग इन टू आईपीएम इंडोर इज वेरी हाई। ठीक है, दीज आर द फर्स्ट थॉट्स, दीज आर द फर्स्ट कट एनालिसिस। नाउ लेट अस मूव अहेड टू द नंबर ऑफ गुड अटेम्प्ट्स इन दीज सेक्शंस। सो फर्स्ट इज क्यू एमसीक्यू। आउट ऑफ 30 क्वेश्चंस, इवन इफ यू अटेम्प्ट मोर देन 14 क्वेश्चंस with around 90% accuracy, you are good to go. You will be able to clear the cutoff of this particular section. Then QA SA section. QA SA section has 15 questions, and even if you have attempted 8 questions with 90% accuracy, aapka idhar bhi cutoff clear hone ke achhe chances hai. Hai na? You can take it 8 to 9 questions over here. And verbal ability, which was the easiest section, and 34 marks or 34 questions were to be attempted. Agar aapne itna kar liya hai with around 90% accuracy, to aap verbal ability ka bhi cut off clear kar jaoge. Verbal ability total hai 45 questions. Paper mein aise as such koi surprises nahi the in terms of number of questions, in terms of वेटेज गिवन टू एनी पर्टिकुलर टॉपिक। हर एक टॉपिक के ऊपर डिसेंट नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे। जैसा हमारे मॉक्स में पेपर आते थे, सिमिलर मॉक्स और सिमिलर पेपर वर
provided by the IPM Indore people. ठीक है, now moving to the most important part, that is IPMET Indore 2024 section wise expected cutoff. Okay, अगर आपने observe किया होगा, there is no total cutoff written over here. क्यों? क्योंकि overall score का cutoff consider नहीं होता है. You have to make sure कि आप section wise cutoff clear कर दो. ठीक है, so we are going to discuss the section wise cutoff of general category EWS, NCOBC, PWD, SC and ST. ठीक है, तो जनरल कैटेगरी जो कट ऑफ फॉर QA SA सेक्शन विल गो टू 20 मार्क्स. जो लास्ट ईयर 12 मार्क्स पे था, ये साल 20 मार्क्स तक जाएगा. क्यों? क्योंकि द लेवल ऑफ डिफिकल्टी वॉज रिड्यूस्ड इन दिस पर्टिकुलर सेक्शन. ठीक है, जनरल कैटेगरी QA MCQ का कट ऑफ जो लास्ट ईयर 39 मार्क्स था, QA SA का लास्ट ईयर 12 मार्क्स था, वो ये साल 20 मार्क्स तक जाएगा. QA MCQ का लास्ट ईयर वो 39 था, वो ये साल 30 मार्क्स तक जाएगा. क्यों? क्योंकि लेवल ऑफ डिफिकल्टी QA MCQ में इंक्रीज हो चुकी है अच्छी खासी. वर्बल एबिलिटी लास्ट ईयर कट ऑफ वॉज 125 मार्क्स, ये साल 120 प्लस ही जाएगा. एज आई टोल्ड यू, वर्बल एबिलिटी लास्ट ईयर के लेवल का ही आया था, तो 120-122 के आसपास आपका वर्बल एबिलिटी कट ऑफ जाएगा जो लास्ट ईयर 125 था. ठीक है, इफ यू वॉन्ट टू चेक फॉर योर कैटेगरी, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो. स्क्रीनशॉट में हर कैटेगरी का, हर कैटेगरी का सेक्शन वाइज कट ऑफ आपको मेंशन किया हुआ है. ठीक है, ओवरऑल द फर्स्ट कट एनालिसिस से QA SA सेक्शन स्लाइटली इजियर देन लास्ट ईयर, QA MCQ tougher than last year, and verbal ability easier or similar to last year's paper pattern. If you have find this, you have found this video useful, do like to this video and subscribe to this channel. Thank you so much. Jai Hind.